अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 27, इसमें इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो पाई बाई एट है ना, वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये किस में रहेगा, ये आपके प्लस में रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि भाई हमें पाई बाई टू मालूम है, पाई बाई थ्री मालूम है, पाई बाई फोर हमें मालूम है, पाई भी मालूम है, लेकिन ये पाई बाई एट तो हमने कभी देखा नहीं है। हमें क्या करना है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब ये ऐसा हो गया, आपके टेन पाई बाई एट लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसा लिख दो, टेन पाई बाई फोर इंटू वन बाई टू, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। क्या फ़र्क है, दोनों सेम ही है बिल्कुल। ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके टेन, अब ये पाई बाई फोर पर भेज दो आप ऐसे, अपॉन क्या आ गया आपके, यहाँ पर टू हो गया। अब तो सबका मतलब एक ही है, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, सबका मतलब तो एक ही है। अब आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए कि टेन थीटा इजिकल टू होता है स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस थीटा एंड वन प्लस कॉस थीटा होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए ये आइडेंटिटी। अब थीटा का मतलब हो गया आपके ये वाला, तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ टेन पाई बाई फोर अपॉन टू, थोड़ा ध्यान लगाएंगे, ये इसका फॉर्मूला है बाई टू का, टेन थीटा बाई टू का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए थीटा, थीटा मतलब हो गया पाई बाई फोर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वन माइनस कॉस पाई बाई फोर अपॉन वन प्लस कॉस पाई बाई फोर। अब वन का, अब इसमें क्या करना है आपको, वन का वन, पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन बाई रूट टू, ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना है कॉस की वैल्यू होती है वन बाई रूट टू। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम ऊपर, तो ये आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट टू माइनस, ये सेम है ऊपर वाला भी सेम आएगा आपके, ये चीज़ आपको इधर भी करना है, तो ये आ जाएगा आपके रूट टू प्लस वन, बड़ा रूट दे देगा आपके। आप कटे जो काट दो तो ये वाला और ये वाला आपके कट गया, तो आपको मिला है ये वाला रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन। अब हम करेंगे हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, तो यहाँ पर है भी आपके रूट टू माइनस वन और एक है भी आपके रूट टू प्लस का वन, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपके, नीचे वाले का करना है तो प्लस का ऊपर भी लिखो, प्लस का नहीं माइनस का, नीचे वाले पर ध्यान देना है आपके, नीचे प्लस दे रखा है इसलिए यहाँ पर भी आपके माइनस आएगा और यहाँ पर भी आपके माइनस आएगा। अब यही वाला हो जाएगा बिल्कुल सेम, रूट टू माइनस वन का हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपके रूट टू माइनस वन का हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर आपके टू टू में से वन गया वन, अब ये रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा आपके, तो ये हट गया तो यहाँ से भी हट गया आपके, तो हमारा आंसर आ गया रूट टू माइनस वन, ये होगा हमारा आंसर।